आप देख रहे हैं SCN न्यूज इंडिया, हर खबर पर नजर। 2 फरवरी को दोपहर 1 बजे से रैपुरा तहसीलदार RP सिंह के द्वारा रैपुरा थाने से कटनी रोड तक ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाया गया। इसमें मेन रोड के किनारे रखे चाय पान के टपरे, अतिक्रमण के दायरे में आने वाले मकानों को JCB की सहायता से ध्वस्त किया गया। इस विषय में रैपुरा तहसीलदार RP सिंह से पूछा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि शासन के निर्देश अनुसार जो भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए हुए हैं उन्हें नोटिस जारी कर अर्थदंड अधिरूपित कर जुर्माना वसूल करने के बाद जिन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया तब जाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। शासन निर्देश अनुसार जो शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए हैं जो लोग, उनको विधिवत नोटिस काट के अर्थदंड की जो जुर्माना है वो अधिरोपित करके वसूल करने के बाद बेदखली का आदेश जारी किया गया है जी। बेदखली आदेश जारी करने के बाद नहीं हटाया तब शासन स्तर पर उनका अतिक्रमण हटाया जा रहा है जी। ये कहाँ से प्रारंभ किया और कहाँ आरम्भ खत्म हुआ सर? हमने थाना सलैया रोड से प्रारंभ किया है, अब कटनी टिकट पर आ गए, इसके बाद और कटनी के आगे जाएंगे, फिर इसके बाद पन्ना रोड पर भी अतिक्रमण हटवाएंगे जी। ये कब तक चलेगी कार्रवाई सर? हो सकता है आज हो जाए या कल भी चलेगी जी सर, दो दिन भी लग सकते हैं जी सर। क्योंकि रोड के बिल्कुल किनार पे आके जो लोग दुकान भी रखे हैं, शासकीय भूमि है, कोई घटना घटती है जी। तो विगत दिन एक ट्रक भी पलट गया था, वो तो रात में शाम को मतलब सुबह मतलब 5 बजे करीब पलटा था जी। दिन में पलटता तो हादसा हो सकता था जी जी। इसलिए शासकीय दृष्टि देखते हुए अपन सबको अतिक्रमण हटा रहे हैं शासकीय भूमि से जी जी जी। इस अतिक्रमण में कौन कौन शामिल हैं इसमें अभियान में? अभियान में हमारे राजस्व विभाग है, पुलिस विभाग है जी, और PWD से भी कर्मचारी हैं जी। रैपुरा से कैलाश सेन की रिपोर्ट।